ना कोई ताकत, ना कोई अदावत, और चाहे पूरा सिस्टम ही क्यों ना चाहे, तेरे बोल पर अंकुश नहीं डाल सकते। बोल इलाहाबाद आजाद है तेरे। नमस्कार। क्या हो गया है ममता बनर्जी को? पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि सीबीआई और ईडी, जो इस वक्त उनकी सरकार, उनकी पार्टी के मंत्रियों, नेताओं पर निशाना साध रही है, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई हाथ नहीं है। इसमें पश्चिम बंगाल के बीजेपी नेताओं का हाथ है। ममता बनर्जी ने आखिरी क्या कह दिया? क्या ममता बनर्जी भूल गई कि जब वो 200 विधायकों के साथ सत्ता में दोबारा आई थी, तब अगले ही दिन सीबीआई ने उनके पार्टी के 4 मंत्रियों को गिरफ्तार कर लिया था। जी हां, उसके बाद अदालत के दखल के बाद उन्हें बेल मिली थी। मगर ममता बनर्जी का यह बयान दोस्तों अपने आप में बहुत कुछ कहता है। आखिर क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ममता बनर्जी क्लीन चिट दे रही हैं? आखिर ऐसा वो क्यों कह रही हैं कि ईडी और सीबीआई पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कब्जा नहीं है? वो आगे ये भी कहती हैं कि सीबीआई अब प्रधानमंत्री को रिपोर्ट नहीं करती, जो अपने आप में बहुत गलत है। दोस्तों यही नहीं, ये कहकर कि स्थानीय भारतीय जनता पार्टी नेताओं का हाथ है, ममता बनर्जी कहीं ना कहीं अमित शाह को भी क्लीन चिट दे रही हैं। तो क्यों? क्या ममता बनर्जी भूल गई कि आजाद भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है जब तमाम जो संस्थाएं हैं, तमाम सरकार की ताकतें पूरी तरह से प्रधानमंत्री कार्यालय के सामने नतमस्तक हैं। यहां तक कि जो तमाम मंत्रालय हैं, विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, महिला बाल विकास कल्याण मंत्रालय, ये जितने भी मंत्रालय हैं, इनके मंत्री अपना पर्सनल सेक्रेटरी भी नहीं रख सकते बगैर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इजाजत के। और यह बात राजनाथ सिंह से बेहतर कौन जान सकता है, क्योंकि वो अपने लिए सचिव रखना चाहते थे और प्रधानमंत्री कार्यालय ने उसे वीटो कर दिया। क्या ममता बनर्जी यह भी भूल गई हैं कि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के प्रचार तंत्र पर भी प्रधानमंत्री कार्यालय का सीधा दखल है, और इसके लिए आपको इस चेहरे से मुलाकात करनी पड़ेगी, हिरेन जोशी। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा दोस्तों कि हिरेन जोशी के बारे में अभी 2 ही दिन पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बहुत दिलचस्प बात कही थी। उन्होंने कहा था कि हिरेन जोशी टेलीविजन चैनल्स के संपादकों को कॉल करें, उन्हें धमकाते हैं और कहते हैं कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ खबरें चलाओ, उन्हें गंदी गंदी गालियां देते हैं, धमकाते हैं। दोस्तों मैं ये तो नहीं जानता हूं कि हिरेन जोशी गालियां देते हैं नहीं देते हैं, मगर बाकी जो तमाम बातें हैं वो संपूर्ण सत्य हैं। मैं इस बात को बखूबी जानता हूं कि हिरेन जोशी का क्या दखल न्यूज चैनल्स के संपादकों पर है, किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सोशल मीडिया हैंडल वो कंट्रोल करते हैं, और ट्विटर और सोशल मीडिया पर कौन क्या कहता है उसकी एक एक जानकारी प्रधानमंत्री को दी जाती है। यानी कि सीबीआई ईडी तो बहुत दूर की बात है, इनकम टैक्स तो बहुत दूर की बात है, प्रचार तंत्र आईटी भी प्रधानमंत्री के कब्जे में है, प्रधानमंत्री कार्यालय के कब्जे में है। तो ममता बनर्जी ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्यों क्लीन चिट देना चाहती हैं? बात यहां तक सीमित नहीं। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले ममता बनर्जी का एक और बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि आरएसएस में सभी ऐसे नहीं होते, सभी बुरे नहीं होते, आरएसएस में ऐसे कई लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पसंद नहीं करते हैं। 20 साल बाद ममता बनर्जी ने आरएसएस की तारीफ की थी, क्योंकि आपको याद होगा साल 2003 में ममता बनर्जी ने आरएसएस को देशभक्त संस्था बताया था। उस वक्त उनका मुकाबला वामपंथी दलों से था और उस वक्त उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से समर्थन मांगा था कि वामपंथी दलों से वो जो मुकाबला कर रही हैं उसमें उनका साथ दिया जाए। तो 20 साल बाद अचानक ममता बनर्जी आरएसएस की तारीफ क्यों करती हैं? मैं नहीं भूला हूं दोस्तों, उस वक्त कई जानकार कह रहे थे कि ममता बनर्जी ऐसा इसलिए कह रही हैं क्योंकि वो कहीं ना कहीं आरएसएस और बीजेपी में दरार डालना चाहती हैं। आरएसएस की तारीफ करके बीजेपी और आरएसएस में दरार, जो मेरे हिसाब से बहुत ही वाहियात तर्क है। ममता बनर्जी यह भी जानती हैं कि इस वक्त आरएसएस की शाखाएं पश्चिम बंगाल में लगातार बढ़ रही हैं। 2011 की तुलना में 2016 में जाकर आरएसएस की शाखाएं पश्चिम बंगाल के अंदर 5 गुना से ज्यादा बढ़ गई थी।
और उसी के साथ पश्चिम बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की ताकत भी बढ़ी। मगर ममता बनर्जी का प्रधानमंत्री के प्रति नर्म रुख अपनाना, नरमी बरतना काफी कुछ कहता है। अगर स्थानीय भाजपा नेताओं की माने तो ममता बनर्जी इस बात से घबराई हुई हैं कि आने वाले दिनों में उनके जो रिश्तेदार हैं अभिषेक बनर्जी, उन पर सख्त कार्रवाई कर सकती हैं एजेंसीज। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, अगर ममता बनर्जी वाकई एजेंसीज से घबराकर ये तमाम बातें कर रही हैं तो उन्हें नहीं भूलना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी किसी को नहीं माफ करती। बीजेपी का क्या प्लान है बंगाल के बारे में आपको पता है ना। खुद शुभेंदु अधिकारी ने कहा था कि साल 2024 के लोकसभा चुनावों के साथ पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव भी होंगे। बताइए, जहां पर एक पार्टी को दो तिहाई बहुमत है वहां की भी सरकार बीजेपी गिराना चाहती है, यह अपने आप में क्या बतला रहा है दोस्तों बीजेपी के बारे में। क्या ममता बनर्जी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से डर गई हैं या उनके दिमाग में कुछ और चल रहा है? क्योंकि हम जानते हैं कि ममता बनर्जी एक स्ट्रीट फाइटर भी है, एक मंझी हुई राजनेता भी है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी को लेकर उनके दिमाग में कुछ और प्लान चल रहा है? एक बात जहन में हम सब रखें, अगर भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करना है तो सबसे पहले आपका दामन पाक साफ होना पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी के हाथ में तमाम एजेंसीज हैं, वो खोद खोद कर आपके तमाम जो सीक्रेट्स हैं वो बाहर निकाल लाएंगे। दो तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहता हूं। पार्था चैटर्जी, इनकी खासम खास अर्पिता के घर पे करोड़ों रुपए मिलते हैं। मलय घटक, नेता हैं टीएमसी के, इन पर सीबीआई ने दबिश डाली, 6 जगह छापे मारे। ममता बनर्जी के एक एक मंत्री, एक एक नेता के ऊपर लगातार दबाव बनाया जा रहा है। क्या ममता बनर्जी नर्म होना चाहती हैं? देखिए, अगर आपको भाजपा से मुकाबला करना है ना तो आप नरमी नहीं बरत सकते। अगर आप नरमी बरतेंगे, अगर आप आगे पीछे होंगे तो आप बर्बाद हो जाएंगे। और आपके सामने एक सीधी सी मिसाल है, बीएसपी सुप्रीमो मायावती। हम यह ना भूलें कि मायावती एक जमाने में प्रधानमंत्री पद की भी उम्मीदवार थी 2019 तक, मगर उसके बाद बीजेपी को लेकर वो कमजोर पड़ती गई, यहां तक कि कुछ मामलों में उन्होंने बीजेपी का समर्थन भी कर डाला। उनकी जो सारी ऊर्जा थी वो अखिलेश यादव पर हमला करने के लिए थी। नतीजा, उत्तर प्रदेश चुनावों के हाल में नतीजे आए और बीएसपी को एक बहुत बड़ा शून्य मिला, बहुत बड़ा शून्य, यानी कि नरमी बरत के ये हालत हो गई है बीएसपी की। अब मैं आपके सामने कुछ और राजनेताओं की चर्चा करना चाहता हूं। अरविंद केजरीवाल, ये अरविंद केजरीवाल ही थे जिन्होंने हीरेन जोशी की बात की। अरविंद केजरीवाल के पार्टी के नेताओं पर लगातार हमला जारी है। सत्येंद्र जैन जेल में, अमानतुल्ला खान, उन पर भी दबिश डाली गई। इसी तरह से आम आदमी पार्टी के नेताओं पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल हमला तो बोल रहे हैं, मगर इससे पहले आपको याद होगा कि उन्होंने एक जमाने में यह तक कहा था कि भाई राज्य में आम आदमी पार्टी हो और केंद्र में मोदी जी हो, तो इस तरह की राजनीति अरविंद केजरीवाल खेलते रहे। अरविंद केजरीवाल कुछ मुद्दों पर खामोश हो जाते हैं और कुछ मुद्दों पर बहुत बोलते हैं, अपने आप को कट्टर देशभक्त बताते हैं, कभी कभी उनकी जुबान बीजेपी जैसी हो जाती है। तो बीजेपी से मुकाबला करने के लिए आपको, आप बीजेपी की बी टीम नहीं बन सकते या बीजेपी की ही जुबान में बात नहीं कर सकते। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से बीजेपी के प्रचार तंत्र पर हमला बोला था और जिस तरह से हीरेन जोशी का नाम लिया था, सुनिए अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा था और फिर आप समझ जाएंगे मैं क्या कहने का प्रयास कर रहा हूं। प्रधानमंत्री के दफ्तर में एक सज्जन काम कर रहे हैं, मीडिया एडवाइजर हैं शायद, हीरेन जोशी जी मीडिया एडवाइजर है, हीरेन जोशी जी हैं एक मीडिया एडवाइजर हैं प्रधानमंत्री के। मेरे को कई एडिटर्स दिखा रहे थे, बड़े बड़े चैनलों के, हमारे देश के बड़े बड़े चैनलों के मालिक, उनके एडिटर्स, उनको क्या गंदी गंदी गालियां लिख के भेजते हैं वो,
केजरीवाल को दिखाया तो ये कर देंगे, केजरीवाल को दिखाया तो वो कर देंगे, आम आदमी पार्टी को दिखाने की जरूरत नहीं है, आप अपने चैनल का दुरुपयोग कर रहे हो, हम तुम्हारा ये कर देंगे वो कर देंगे फलाना कर, क्या धमकियां दे रहे हैं वो? ऐसे देश चलाएंगे, ऐसे धमकियां देंगे? फिर फोन कर करके धमकियां देते हैं। मैं आज यहां से हिरेन जोशी जी को एक ही चीज कहना चाहता हूं, अगर किसी ने आपके स्क्रीनशॉट जो जो आप इनको मैसेज भेज रहे हो इन्होंने सोशल मीडिया में डाल दिए, आप भी और प्रधानमंत्री जी शक्ल दिखाने लायक नहीं बचोगे इस देश के अंदर। और ये जो आप धमकियां देते हो ना, कईयों ने रिकॉर्डिंग करके रखी आपकी, अगर किसी दिन किसी ने आपकी रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया में डाल दी, शक्ल दिखाने लायक नहीं बचोगे। बंद करो ये गंदगी, बंद करो इस तरह से मीडिया को धमकाना। तो सुना आपने, अरविंद केजरीवाल ने इस तरह से हमला बोला। तो ये जो तमाम मिसाल मैंने आपके सामने बताई हैं, उसका मकसद ये है कि अगर विपक्ष मुकाबला करना चाहती है बीजेपी से, तो उसे खुलकर लड़ाई करनी होगी। राहुल गांधी वो प्रमाण देते दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने अपनी भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है और इससे भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से नरभसा गई है। हालांकि राहुल गांधी पर यह आरोप लगते रहते हैं कि वो 24 घंटे के राजनेता नहीं है, यानी कभी छुट्टी पर चले जाते हैं, कभी अचानक गायब हो जाते हैं, जिससे राजनीति के प्रति उनके गंभीरता पर अक्सर सवाल उठते हैं। तो अब उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा तो शुरू की है, मगर उम्मीद है कि आने वाले दिनों में राहुल गांधी जिम्मेदारी लेंगे। उनसे उनकी पार्टी की कई इकाइयां ये अपील कर रही हैं कि आप अध्यक्ष बन जाइए, राहुल गांधी वो जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। आपको भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करने के लिए नंबर एक विचारधारा के मायनों से बिल्कुल स्पष्ट रहना पड़ेगा, नंबर दो 24 घंटे वाला राजनेता होना पड़ेगा, नंबर तीन भारतीय जनता पार्टी की कमजोरियों पर हमला करना पड़ेगा, जैसे अरविंद केजरीवाल लगातार कर रहे हैं। हालांकि अरविंद केजरीवाल भी, जैसे मैंने कहा ना, कभी दो कदम आगे दो कदम पीछे, इसलिए उन पर सवाल किए जाते हैं। राहुल गांधी के बारे में एक बार और कही जा सकती है कि वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, आरएसएस के पक्ष में कभी कोई बयान नहीं देंगे, जैसा ममता बनर्जी ने कार्यक्रम की शुरुआत में दिया। जी हां, उनकी सीधी लड़ाई आरएसएस के साथ है और राहुल गांधी ने अक्सर जो बयान दिए हैं उसके चलते आरएसएस और बीजेपी दोनों उनसे बहुत असहज हुई है। राहुल गांधी के अलावा यह भी वो चेहरे हैं जो कभी बीजेपी से हाथ नहीं मिलाएंगे, मसलन अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, ये लोग कभी भी बीजेपी और आरएसएस से हाथ नहीं मिलाएंगे। मगर इन युवा नेताओं को यह प्रमाणित करना पड़ेगा कि वो राजनीति को गंभीरता से ले रहे हैं। अखिलेश यादव कल मैदान में उतरे थे, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं, उन्होंने महंगाई और बेरोजगारी को लेकर प्रदर्शन किया, उनके 111 विधायक सड़कों पर उतर आए थे लखनऊ में और उन्हें पुलिस ने आगे बढ़ने नहीं दिया, नतीजा उन्होंने रास्ते में धरना दे दिया। उम्मीद की जानी चाहिए कि अखिलेश इस तरह की तस्वीर रोज सामने लेकर आए, क्योंकि यही विपक्ष का दायित्व है, यही विपक्ष की जिम्मेदारी है। तेजस्वी यादव भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनने के बाद एक्टिव दिखाई दे रहे हैं, सक्रिय दिखाई दे रहे हैं, मगर उन्हें भी पता होना चाहिए कि एक पूरा प्रचार तंत्र उनके खिलाफ काम कर रहा है, उनकी एक एक हरकत पर सबकी निगाह है, वो एक गलती करेंगे और उसे जंगल राज बता दिया जाएगा। मगर हां, जिन नेताओं का मैंने आपको नाम बताया, ये किसी भी कीमत पर बीजेपी से हाथ नहीं मिलाएंगे। इसलिए जब ममता बनर्जी ये बयानात देते हैं ना दोस्तों, तो कई संशय आपके जहन में पैदा होते हैं, कई सवाल पैदा होते हैं कि आखिर ममता बनर्जी ये बयानात क्यों दे रही हैं? क्या ममता बनर्जी डर गई? क्या ममता बनर्जी के दिमाग में कोई और खेला चल रहा है? खेला हो बे? तो ये तमाम चीजें हैं जिस पर हमें गौर करने की जरूरत है। और भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले में अगर विपक्ष वाकई सोचता है कि वो 2024 में, मुकाबला तो बहुत दूर की बात है, अगर एक गंभीर खिलाड़ी या जनता उन्हें गंभीरता से ले, उसके लिए बहुत जरूरी है कि वो मुकाबला संजीदगी से करें, मुकाबला ईमानदारी से करें, मुकाबला निडर और बेबाक होकर करें। अब इसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार।